इंसान को कुछ चीज़ों से इतना लगाव होता है कि वो मरने के बाद भी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। उसे उस जगह को छोड़ने का डर लगा रहता है, डर जो पास है उसके खो जाने का डर, और जो चला गया कभी कभी उसका वापस लौटने का डर। दोस्तों, कभी आपको ऐसे लगा कि आपके पीछे कोई है और आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब आप पीछे मुड़े तो आपको कोई ना मिले। किसी जगह पर आप अकेले हों और उस जगह पर आपको बार बार किसी के होने का एहसास होता हो, साए जो सालों से हमारे आसपास घूमते हैं लेकिन वो बस एक पल के इंतज़ार में होते हैं कि कब वो आपको अपना दूसरा पहलू दिखा सके। ये जो बुरी आत्माएं होती हैं, इन्हें तलाश होती है एक ऐसे मौके की जब ये किसी इंसान के ऊपर हावी हो सके, और ये मौका ये कभी नहीं गवाते। आप डर से इनकार नहीं कर सकते, डर हर जगह होता है, हर कोने में, हर चौराहे पर, हर जगह, हर सड़क पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालू शाह और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद शालू शाह। दोस्तों, आज की ये अनोखी कहानी हमें गुंजा जी ने बिहार से भेजी है। आज की ये कहानी एक ऐसे श्रापित कुएं की है। जो भी इंसान इस कुएं के पास गया, वो इंसान वापस कभी लौट कर नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए आगे की कहानी आप सुनिए गुंजा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम गुंजा है और ये घटना उन दिनों की है जब मेरे पिताजी फौज की नौकरी से रिटायर होकर बस घर आए ही थे। मेरे पिताजी बहुत ही मेहनती थे, उन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब भी घर पर खाली होते तो कोई ना कोई काम किया करते थे। फौज से रिटायर होने के बाद पिताजी ने सोचा, क्यों ना मैं कोई एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद कर उस पर खेती कर लूं, इसी बहाने आमदनी भी हो जाएगी। मेरे पिताजी ज़मीन की तलाश में लग गए। काफ़ी सारी जगह देखने के बाद मेरे पिताजी को गांव के बाहर एक ज़मीन पसंद आई और वो अच्छे दामों में मेरे पिताजी को मिल गई। उस जगह की खास बात ये थी कि वहाँ पर खेतों की सिंचाई करने के लिए एक कुआं भी था, जो एक श्रापित कुआं था जिसके बारे में ना ही हमें पता था, और गांव से बाहर होने के कारण उसके बारे में किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था। फौज की नौकरी में होने के कारण मेरे पिताजी तंदुरुस्त, स्वस्थ और काफ़ी फुर्तीले थे। वो किसी भी काम को करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते थे। उन दिनों गर्मियों का समय चल रहा था तो मेरे पिताजी ने उस ज़मीन पर धान की खेती करने के बारे में सोचा, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई करने के लिए कुआं भी था तो पिताजी ने सोचा धान की फसल यहाँ पर अच्छी होगी। लेकिन उस जगह पर काफ़ी कटीली झाड़ियाँ होने की वजह से पिताजी को 3 से 4 दिन वहाँ सफाई करने में लग गए। वहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, इसलिए दूर दूर तक झाड़ियाँ फैली हुई थी। और सारी ज़मीन पर सफाई करने के बाद पिताजी ने 2-3 मजदूर बुलाए और वहाँ पर धान की खेती लगा दी। हमारे खेत गांव से बाहर थे, इस वजह से मेरे पिताजी को कई बार खेत पर ही रात को रुकना पड़ता था, ताकि कोई जंगली जानवर खेत की फसल को ख़राब ना कर दे। मेरे पिताजी बहुत ही मेहनती थे, वो मेहनत करने से कभी भी कतराते नहीं थे। वो सारी रात रात जागकर फसल की रखवाली करते थे। फसल लगाने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक सब कुछ सही चल रहा था। मेरे पिताजी का स्वभाव बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फिर एकदम से जो बदलाव आया, उस घटना ने हम सब के जीवन को हिलाकर रख दिया। फसल लगाने के काफ़ी दिनों बाद
बरसात होने लगी और रोज़ ही रात को बारिश होती। खेतों में पानी काफ़ी भर जाता, तो इसलिए हमने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब तो खेत में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, खेतों में पानी काफ़ी भर चुका है। उस दिन तेज बरसात हो रही थी और मेरे पिताजी तेज बरसात में ही खेत की तरफ निकल चुके थे। अगली सुबह जब मेरे पिताजी खेत से घर लौटे तो मेरे पिताजी की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी और उनका शरीर भी सिकुड़ने सा लगा था। लेकिन जब मेरी माँ ने पिताजी से पूछा, आपको क्या हुआ, लगता है आप सारी रात सोए नहीं, तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को गुस्से भरी नज़रों से देखकर और चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लेना, तुम अपना काम करो, और इतना कहकर कमरे में सोने चले गए। तब मैं छोटी थी, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, और शायद मेरी माँ को भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी बहुत ही नरम स्वभाव के थे, लेकिन जब से वो खेत पर जाने लगे थे उनके स्वभाव में दिनों दिन चिड़चिड़ापन आने लगा था। वो हमें बिना वजह ही डांटने लगते तो कभी मेरी माँ को बेवजह झिड़कने लगते। भले ही उस वक्त मेरी उम्र कम थी ये सब समझ पाने के लिए, लेकिन उस वक्त मैं सारा कुछ महसूस कर पा रही थी। एक रोज़ मेरे पिताजी सुबह खेत से वापस लौटे और घर पर आते ही मेरे बड़े भाई को बिना कारण मारने लगे। मैं अपने पिताजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई कि जिन्होंने कभी हमें डांटा तक नहीं था, आज वो हम पर हाथ उठा रहे थे। और एक चीज़ मैंने और देखी थी, जब मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई को मार रहे थे तो उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो, उनका रूप एकदम भयानक हो चुका था और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। अपने पिताजी का रुख देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और मैं रसोई में जाकर अपनी माँ के पीछे छुप गई। और फिर उसी वक्त मेरी माँ ने रसोई से बाहर आकर मेरे बड़े भाई को बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी के हाथों से छुड़वाया और गोदी में बैठाकर चुप कराने लगी। उस दिन पहली बार मेरी माँ ने भी मेरे पिताजी से गुस्से में बोला, आपने बच्चे पर बेवजह हाथ क्यों उठाया, आप तो कभी बच्चों को डांटते तक नहीं थे, आपको क्या हो गया, आपके बर्ताव में इतना बदलाव क्यों है। पिताजी ने मेरी माँ की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा और हंसते हुए अंदर चले गए। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि हम उसे देखकर और भी ज़्यादा डर गए। अब मेरे पिताजी अपने कमरे में अकेले ही रहने लगे थे और हमसे या माँ से बातचीत भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में माँ को भी नहीं आने देते थे, माँ अब हमारे साथ ही रहा करती थी। अगले दिन मेरे पिताजी को हल्का सा बुखार था और उन्हें खांसी भी हो रही थी, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण उन्हें सर्दी जुकाम हो गया था। तो उस दिन मेरे पिताजी रात को खेत पर नहीं गए, वो रात को घर ही थे। मेरे पिताजी फौज की नौकरी किया करते थे, वो बहुत ही तंदुरुस्त और मेहनती थे, लेकिन पता नहीं मेरे पिताजी धीरे धीरे उनका शरीर ढलने लगा, मानो जैसे उनकी परछाई देखते तो ऐसे लगता कोई बुजुर्ग व्यक्ति चल रहा है। और उस रात जो मैंने देखा वो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाई। मैंने देखा मेरे पिताजी रात को कुर्सी पर झुककर बैठे हुए हैं और किसी से बात किए जा रहे हैं। जब मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो कमरे में मेरी माँ या भाई दोनों ही नहीं थे। तब मैंने सोचा पिताजी किससे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी काफ़ी झुककर बैठे हुए थे, मानो जैसे
बुजुर्ग व्यक्ति बैठता हो, और एक पल के लिए मैंने जो झलक देखी वो मैं अपने सारे जीवन भर नहीं भूल पाई। मैंने देखा मेरे पिताजी के कंधों पर कोई बैठा हुआ है, और उसी वक्त मेरे पिताजी की नज़र मेरे पर पड़ी और वो मेरी तरफ आने लगे। तब मेरे पिताजी ऐसे चल रहे थे जैसे एक काफ़ी वृद्ध व्यक्ति चलते हैं। मैंने देखा मेरे पिताजी मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैं उन्हें देखकर बाहर की तरफ भाग गई। मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। जितना हम दोनों भाई बहन अपने पिताजी से प्यार करते थे, उससे कई ज़्यादा अब हम दोनों अपने पिताजी से डरने लगे थे। जब भी मेरे पिताजी सुबह वापस घर लौटते थे तो हमें यही चिंता सताती कि अब पता नहीं पिताजी किस बात पर मारेंगे या फिर बेवजह डांटेंगे। लेकिन हम सब यह जान चुके थे कि पिताजी के साथ यह सब घटनाएं तब से शुरू हुई हैं जब से मेरे पिताजी रात को खेत पर जाने लगे थे। अगली सुबह जब मेरे पिताजी सोकर उठे तो उनका बर्ताव बिल्कुल सामान्य था। वो फिर से पहले के जैसे ही व्यवहार करने लगे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, गुंजा बेटी इधर आना, और मैं डरते हुए अपने पिताजी के पास गई और मुझे प्यार से बोले, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। जब मेरे पिताजी ने मुझे प्यार से गुंजा कहकर बुलाया तो मैं इतनी खुश हुई, मुझे लगा मेरे पिताजी अब ठीक हो चुके हैं, और मैं अपने पिताजी के लिए पानी लेकर गई। पानी पीने के बाद मुझसे बोले, गुंजा आज तेरी माँ ने नाश्ते में क्या बनाया है। तब मैं खुश होकर बोली, पिताजी आपका मनपसंद खाना बनाया है माँ ने, और हमने साथ में बैठकर नाश्ता किया। उस दिन मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई को भी नहीं डांट रहे थे, उससे भी प्यार से बोल रहे थे, और साथ ही माँ के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहे थे। तो हम सब खुश हो रहे थे कि पिताजी शायद बदल चुके हैं। लेकिन उस वक्त हमें ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि पिताजी के मन में क्या चल रहा है। और फिर माँ ने दोपहर का खाना बनाया, हम चारों ने फिर से दोपहर का खाना मिलकर खाया। लेकिन जब मेरे पिताजी दोपहर में खाना खा रहे थे तो उन्होंने उस वक्त चार आदमियों का खाना एक साथ अकेले ही खा लिया। यह देखकर माँ, मेरा भाई और साथ में मैं, हम तीनों बड़े ही हैरान हुए। लेकिन उस वक्त हमने सोचा, पिताजी आज काफ़ी दिनों बाद खाना खा रहे हैं और उनकी काफ़ी दिनों बाद तबीयत सही हुई है, इसलिए शायद भूख ज़्यादा लगी होगी। दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे पिताजी हम दोनों को अपने कमरे में ले गए और हमारे साथ ढेर सारी बातें करने लगे। आज का दिन मानो मेरे जीवन में वैसे ही था जैसे पहले रहते थे। मेरे पिताजी हमसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मुझे अपने गोद में बिठाया हुआ था। और फिर उसी शाम मेरे पिताजी मेरी माँ से बोले, शांति आज हम सब खेत की तरफ चलते हैं। मैं दो दिन से खेत पर नहीं गया, खेत पर काम भी है, और तुम सब घूमकर भी आ जाना, रात होते ही हम सारे वापस लौट आएंगे। माँ के साथ साथ हम दोनों भाई बहन भी खुश हो गए कि आज हमें पिताजी के साथ खेत पर जाने का मौका मिला है। माँ और हम दोनों भाई बहन अपने पिताजी के साथ खेत की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम सारे खेत पर पहुँचे, पिताजी फिर से झुककर चलने लगे, और पिताजी ने माँ से बोला, शांति तुम जाओ, थोड़ी आगे जाकर फसल देखकर आओ, फसल कैसी हुई है। और माँ खेतों की तरफ फसल देखने चली गई। तब उस वक्त पिताजी मेरे बड़े भाई को कुएं के ऊपर खड़ा कर कर नीचे देखने को बोलने लगे, बेटा नीचे देखना इस कुएं में कितना पानी है। तब उस वक्त मैं अपने पिताजी के पीछे ही खड़ी थी। मेरे पिताजी बुज़ुर्ग व्यक्ति के जैसे हो चुके थे, और उसी वक्त मैंने एक चीज़ और देखी। उस कुएं के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, और उसे देखकर ऐसे लग रहा हो
जैसे ये औरत अभी पानी से बाहर निकल कर आई हो और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। वो बूढ़ी औरत मेरे पिताजी की तरफ लगातार देखे जा रही थी और मेरे पिताजी को ऐसे इशारा कर रही थी जैसे वो कह रही हो कि मेरे भाई को कुएं के अंदर धक्का दे। इतने में मैंने अपने पिताजी को पीछे से एक जोर की आवाज़ लगाई, पिताजी। और जैसे ही मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा, इतने में ही मेरे बड़े भाई ने कुएं से नीचे की तरफ छलांग लगाई और वो भागने लगा और मेरे पिताजी भी मेरे बड़े भाई के पीछे पीछे भागने लगे और उन्होंने मेरे भाई को पकड़ लिया। मेरा भाई चिल्लाता रहा लेकिन मेरे पिताजी ने उसे नहीं छोड़ा और उसे घसीटकर कुएं की तरफ ले जाने लगे। इतने में मैंने शोर मचाकर अपनी माँ को बुलाया। जब मेरी माँ ने देखा कि पिताजी भाई को कुएं की तरफ घसीटकर ले जा रहे हैं, माँ दौड़ती हुई आई और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। इसी शोर की आवाज़ सुनकर जो खेत की दूरी पर घर थे वहाँ से लोग बाहर आए और जब उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई को कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने आकर मेरे भाई को और हमें मेरे पिताजी से बचाया। उस वक्त मेरी माँ ने भी उसी औरत को देखा जिस बूढ़ी औरत को मैंने कुएं के पास देखा था। वो बूढ़ा व्यक्ति और वो बूढ़ी औरत मेरे पिताजी को घेरे खड़े थे, जैसे मानो मेरे पिताजी उनके इशारों पर चल रहे हों। और फिर बड़ी मुश्किल से सारे लोगों ने मिलकर मेरे पिताजी को कुएं के पास जो पेड़ था उस पेड़ पर रस्सी से बांध दिया। फिर मेरी माँ ने सारे लोगों को घटना बताई कि मेरे पिताजी के साथ कब से यह सब कुछ चल रहा है, वो घर पर भी किस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया करते थे। तब गांव में रहने वाले लोगों ने मेरी माँ को बताया, क्या तुम इस ज़मीन और इस कुएं के बारे में कुछ नहीं जानते? यह कुआं एक श्रापित कुआं है। इस कुएं के आसपास रात को तो छोड़ो दिन में भी कोई व्यक्ति नहीं भटकता। वैसे भी इस कुएं के आसपास बहुत से हादसे हो चुके हैं और बहुत सी लोगों की जाने गई हैं। इस कुएं के अंदर उन पति पत्नी की आत्मा भटकती है जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे और उन्होंने अपनी फसल के ऊपर ज़मींदार से कर्जा लिया था। वो कर्जे के तले इतने दब चुके थे कि वो उनका कर्जा नहीं लौटा सके और आखिरकार उन्होंने इस कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन साथ ही उन्होंने इस कुएं और इस जगह को श्राप दिया कि इस जगह पर हम तो अपनी फसल नहीं कर पाए तो इस जगह को कोई और भी अपनी फसल के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा और यह जगह किसी को नहीं फलेगी। और इसके बाद मेरी माँ और गांव के कुछ लोग मिलकर मेरे पिताजी को पास के गांव में एक बालाजी का मंदिर था वहाँ लेके गए। वहाँ एक पुजारी बैठते थे, उन्होंने मेरे पिताजी का झाड़ फूँक किया। मैंने और मेरे बड़े भाई ने सारी रात गांव में हमारे एक रिश्तेदार रहते थे उनके घर पर बिताई और अगली सुबह मेरी माँ और गांव के लोग मेरे पिताजी को घर लेकर आए। जब मेरे पिताजी घर वापस आए तो मेरे पिताजी सही से चल भी नहीं पा रहे थे और वो बहुत बीमार लग रहे थे। जैसे ही मेरे पिताजी ने हम दोनों को देखा, वो हमें गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें माँ ने बताया था कि तुम्हारा व्यवहार बच्चों के साथ भी कैसे रहा और बच्चे तुमसे कितना ज़्यादा डरने लगे थे। मेरे पिताजी जैसे ही हम दोनों को देखते, हमें देखकर रोने लगते। मेरे पिताजी पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, वो हमें ऐसे लग रहे थे जैसे पहले से ज़्यादा बीमार हो। कोई भी इंसान मेरे पिताजी को देखकर ये नहीं कह सकता था कि इन्होंने फौज में नौकरी की होगी। मेरे पिताजी पहले की तरह तंदुरुस्त हो गए और उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। करीब 2 महीने बाद मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए और हम फिर से पहले के जैसे हंसी खुशी रहने लगे। मेरे पिताजी हम दोनों के साथ साथ मेरी माँ को भी बेहद प्रेम करते थे और उन्होंने मेरी माँ से भी माफ़ी मांगी थी जो भी उन्होंने अपने परिवार के साथ बर्ताव किया था।
और उस ज़मीन को मेरे पिताजी ने आगे किसी और के पास भी नहीं बेचा, क्योंकि मेरे पिताजी सोचते थे जैसे बुरा हमारे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने वो जगह ऐसे ही छोड़ दी। आज भी जब भी कोई इंसान उस कुएं के पास से गुजरता है तो वो पति पत्नी हर किसी को तंग करते हैं, और भूल से भी कोई उस श्रापित कुएं के पास नहीं जाता। तो चलिए दोस्तों, आज की इस डरावनी और खौफनाक कहानी को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपको मेरी आज की कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मेरी कहानी कालिया मसान को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम।